तो अगले कुछ ही दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए हर एक पार्टी की ओर से कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच एक पार्टी की ओर से अपनी अपनी जीत का दावा हर एक पार्टी की ओर से किया जा रहा है। पांच राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। पंजाब, गोवा, यूपी, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा चुनाव का शोर जोर जोर से सुनाई दे रहा है। हर एक पार्टी अपने दमदार नेताओं को विधानसभा सीट के लिए चुन रही है, ताकि हर एक विधानसभा सीट पर उनकी जीत पक्की हो सके। वह इस बीच चुनाव प्रचार अभियान भी तेजी से बढ़ रहा है और इस बीच हर एक पार्टी के नेताओं की ओर से जीत का दावा भी किया जा रहा है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने 5 राज्यों में जीत का दावा किया है। 5 राज्यों में हम बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। पहले भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में हम हैं, फिर से लौटेंगे। पंजाब में हमारी अच्छी उपस्थिति होगी निश्चित रूप से। बहुत मैं कहूँगा कि ऐसा वातावरण है, 4 में तो हम थे और 5वें में आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया ने भी उत्तर प्रदेश में जीत का दावा किया है। रतनलाल कटारिया की माने तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस बार पिछली बार से भी ज्यादा विधानसभा सीट जीत कर एक बार फिर से सत्ता में आने वाली है। हम पहले से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाएंगे। रही जहां तक छोड़ने की और आने की, वो कहते हैं कि चुनाव के समय जिन लोगों को यह आशंका रहती है अभी तुम्हारा तो टिकट कटेगा, तो ऐसे लोग जो है वो फिर अपना आराम और गैराम वाली बात देखते हैं। अब जहां बीजेपी के मंत्री से लेकर सांसद जीत का दावा कर रहे हैं, तो दावों की इस दौड़ में कांग्रेस भी पीछे नहीं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का दावा किया है। दीपेंद्र हुड्डा की माने तो कांग्रेस 5 के 5 राज्यों में सत्ता बनाने वाली है। विश्वास है 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी, प्रियंका जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस पार्टी ने काम किया, वो एक ऐतिहासिक बदलाव उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश में किस तरह लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, आप देखिए किस प्रकार से उत्तराखंड में छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं भाजपा को, आप देखिए पंजाब में क्या बुरा हाल हो रहा है, आप देखिए गोवा में किस तरह छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो यानी कि देश ने जिस विश्वास से उनको सत्ता सौंपी 2014 में, आज कहीं ना कहीं देशवासी महसूस करते हैं कि वो विश्वास में पूरे नहीं उतरे। अब दावों पर दावे तो हर एक पार्टी के नेताओं की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना यही होगा कि इन 5 राज्यों में अगले 5 सालों में कौन सी पार्टी राज करेगी और जनता कौन सी पार्टी के हाथों में अपने राज्य की बागडोर सौंपेगी। हरियाणा डेस्क, खबरें अभी तक। एक बड़ी खबर आपको बता दें सिरसा से। सिरसा में नेहलू नेता अभय सिंह चौटाला का बयान, प्रकाश सिंह बादल की किसानों के सच्चे हितैषी हैं। पंजाब, अंबाला, खबरें अभी तक।